तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को देख रहे हैं, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। और फ्रेंड्स, आप इसकी फ्लावरिंग देखिए, कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है इसमें। और फ्रेंड्स, इसके फ्लावर देखिए कितने ही खूबसूरत हैं। और ये डबल परत का गुड़हल है मेरा, और कलियाँ देखिए इसमें ढेरों कलियाँ आई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में भी इसी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग हो, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पिंक गुड़हल है, और इसकी फ्लावरिंग देखिए। और फ्रेंड्स, इसकी कलियां देखिए, इसमें भी कितनी कलियां आई हुई हैं। और ये वाइट गुड़हल है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास सारे देसी गुड़हल ही हैं, मैंने देसी गुड़हल लगाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रेड गुड़हल है, जो हमारी पूजा पाठ में काम आता है और हमारी देवी माँ पे चढ़ता है। कहते हैं उनको, देवी माँ को रेड गुड़हल ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ज़्यादातर घरों में रेड गुड़हल हमें मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको छोटे से टीन प्लांटर में लगाया हुआ है। और फ्रेंड्स, प्लांट बहुत बड़ा हो गया है और इसकी रूट बाउंड भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी जो है, इसकी भी पूरी तरीके से जड़ें भर गई हैं और इसकी भी रूट बाउंड हो गई है, तो इसकी भी गुड़ाई नहीं हो पाती है। इसमें भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इसमें चाय पत्ती भी डालती हूँ, जो हमारी किचन से निकलती है, उसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, धो के मैं उसको ऐसे ही डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गुड़हल का प्लांट हमारे लिए बहुत ही शुभ पौधा होता है, हमारी पूजा पाठ में तो काम ही आता है। साथ में इसमें मेडिसिनल गुण भी पाए जाते हैं। इसके फूलों का प्रयोग हम अपने बालों में करते हैं। आजकल तो मार्केट में इसके फूलों को पाउडर फार्म में बेचा जाता है। और इनकी पत्तियां भी जो है, बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। कहती हैं दस्त होने पे इसकी पत्तियां खाने से बहुत ही लाभ मिलता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये चूना है, मैंने इसको भिगो के रखा है, ये 3-4 दिन से ऐसे ही भीगा हुआ है। और इसकी थोड़ी सी मात्रा में लेती हूँ, एकदम थोड़ी सी। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मस्टर्ड केक, और इसको भी मैंने कम से कम ऐसे भीगा हुआ है, ये 10 से 15 दिन से भीगा हुआ है पूरी तरीके से, ये और पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं 4 से 5 गुना पानी मिला लेती हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मिला के मैं अपने गुड़हल के प्लांट में डालती हूँ। फ्रेंड्स, इसको मैं 15 से 20 दिन पे डालती हूँ, या प्लांट मेरा जब फ्लावरिंग एकदम से ख़त्म कर देता है, फ्लावरिंग नहीं होती है उसमें, मैं देखती हूँ कि इसमें कलियाँ नहीं आ रही, फ्लावर नहीं हो रहे, तो मैं बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मस्टर्ड केक इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि अगर आप शाम को इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड केक, तो सुबह तक आपको कलियाँ देखने को मिल जाती हैं इसमें। फ्रेंड्स, मस्टर्ड केक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है, और ये गुड़हल का प्लांट भी बहुत ही हैवी फीडर प्लांट होता है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसकी छोटी सी कटिंग भी लगाई है, और ये इस फ्लावर की कटिंग है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से चल गया है। और फ्रेंड्स, मैंने इसको सैंड में लगाया हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पूरी तरीके से सैंड है, इसमें मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं मिलाई है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और देखते हैं इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा इसमें फैली हुई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सैंड में कटिंग लगाने से उसकी जड़ें जो हैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, आराम से निकल आती हैं, टूटती भी नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, इस कटिंग ने मेरी कितनी ज़्यादा रूट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा रूट्स हो गई हैं, तो ये पौधा मेरा खूब अच्छे से अब चल भी जाएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसमें मिट्टी बनाई है, जो ये मैंने गोबर की खाद ले रखी है, जो पूरी तरीके से डिकम्पोज है, और ये मैंने अपने पुराने गार्डन की मिट्टी ले रखी है, और ये गिट्टी का चूरा है, इसको भी मैं थोड़ा सा मिला देती हूँ। इसमें भी प्लांट को कैल्शियम की कमी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है, और वो धीरे धीरे से पौधा लेता रहता है इसमें से। तो फ्रेंड्स, जब आप छोटा पौधा लाते हैं घर में, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना डालें, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र से पौधा ख़राब हो सकता है। पहले आप प्लांट लगा दीजिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाए, उसकी जड़ें खूब अच्छे से डेवलप हो जाएँ, तभी आप जो है उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मिलाए। क्योंकि फ्रेंड्स, प्लांट लगाते समय ऑलरेडी हम उसमें फर्टिलाइज़र मिला के लगाते हैं, तो हमें किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। जब प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ ले लेता है, तो ही हम उसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। अगर आपने छोटा सा पौधा लगाया है और आप सोच रहे हैं कि इसमें तुरंत फ्लावरिंग होने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्लांट लगाइए, कुछ दिन वेट कीजिए, पौधा अच्छे से ग्रोथ ले लेता है, उसमें खाद ऑलरेडी पड़ी रहती है, तो फ्लावरिंग अपने आप होने लगती है। जब देखें कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, रूट बाउंड हो गया है, और फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसमें, तब आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अपने सारे गुड़हल के प्लांट की देखभाल करती हूँ। तो फ्रेंड्स गुड़हल का प्लांट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल पौधा होता है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो फ्रेंड्स इसी तरह गार्डनिंग करते रहें और प्लांट लगाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।